दोस्तों नमस्कार। जैविक वाला चैनल में ये है कुटकी। कुटकी जो ट्राइबल लोग जनरली उगाते हैं, इस कुटकी की आज बुवाई हुई है इस खेत में। आप इधर देख रहे हैं कि ये जो मेड़ है, उधर दिखाओ मेड़ तरफ, मेड़ उस तरफ जहाँ मेड़ है, उस मेड़ में ऐसे जहाँ पे नई मेड़ बनी है वहाँ पर बस हाथ से ले जाके छींट देना है। तो जैसे छींट दिया, इधर देखो, छींट देने से ही जैसे पानी पड़ेगा ये जर्मिनेट हो जाएगा। ये कुछ सीड बचा हुआ है, तो इसी सीड को बोने के लिए इसमें ना कोई खाद ना कोई बीज की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ ये कुटकी को उगाया, कोदो, कुटकी, काकुन, रागी सभी की आज बोनी हुई है। आज हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया, पर मानसून ही लेट है इसलिए इसकी बोनी हो गई। ये मक्के का बाजरे का बीज है, बाजरा भी बोया गया, कुछ मक्का बोया गया, लाल मक्का, काला मक्का, सफ़ेद मक्का, अरहर, सफ़ेद अरहर, बैगानी अरहर और लाल अरहर, इस तरह करके कुछ देसी बीजों का आज बोनी हुआ है इस फॉर्म में। और हम उनको बताना चाहते हैं, कई लोग पूछना चाह रहे हैं कि ये कोदो कुटकी की बोनी कैसे की जाती। तो बोनी करने का बहुत सिंपल तरीका है, एक एकड़ में पाँच से छः किलो की सीड रेट की ज़रूरत पड़ती है। लोग क्या करते हैं, जहाँ पे बैरन रेंड है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, जनरली वहाँ पर इसको बोते हैं। लेकिन जिसके पास में भी अच्छी भूमि है, लेकिन अच्छी भूमि के साथ में दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो उसमें भराव ना हो। आप देखिए, यहाँ पर जगह नहीं थी, इसके बावजूद भी जो मेड़ है, मेड़ पे हमने लगाने का प्रयास किया है। तो मेड़ में लगाने से क्या होगा, वहाँ पे भराव नहीं होगा, बरसात का जो पानी गिरेगा, बरसात के पानी से उसकी पर्याप्त जर्मिनेशन हो जाएगा, और उसकी जर्मिनेशन होने के बाद में अपने आप फ्लावरिंग और उसकी फ्रूटिंग होगी। उसमें ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत होती नहीं है। कई बार कुछ चारे आते हैं, घासें आती हैं, तो घास को पहचान कर उखाड़ना आसान होता है, तो इस तरह कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा कि क्या हम अपने खेत में जहाँ धान लगाते हैं वहाँ पर खेती कर सकते हैं क्या? बिल्कुल निसंदेह कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि जहाँ पर पानी भरेगा, यदि स्टैग्नेंट वाटर है, मेढ़े हैं चारों तरफ से, और पानी यदि वहाँ रुकता है, तो वहाँ पर ये कोदो कुटकी को बो पाना, बो तो देंगे लेकिन वो सड़ जाएगी। चूँकि इसकी सेल जो पेरेन्काइमेटस सेल जो पानी को अवशोषित करके पानी में रह सकती हैं, वो सिर्फ धान में होती है, इसलिए धान में भरे पानी में हो सकता है। किंतु ये जो कोदो कुटकी है, तो कोदो कुटकी को ऐसी जगह पे बोना चाहिए जहाँ पे पानी बिल्कुल रुके ना, बगार में, बैरन लैंड में, ऐसे बोलते हैं जहाँ ऊसर ज़मीन होती वहाँ पर हो जाता है। तो ये 65 से 70 दिन की फसल होती है। जैसे ही मानसून आएगा, मानसून के साथ में इसकी बोनी हो जाती है, और बोनी के साथ में जैसे पानी धीरे धीरे गिरता रहेगा और इसका जर्मिनेशन होगा और फसल अच्छी हो जाएगी। एक और बात, जब हम इसकी कटाई करते हैं तो कटाई के समय एक चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा तरीके से ध्यान देना होता है। आप देख सकते हैं इसके दाने बहुत छोटे हैं और इसी दाने के आकार में पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर। तो जनरली किसान क्या करते हैं, जब कटाई करते हैं तो वो कटाई के साथ में, हसिए के साथ में कुछ पौधे उखड़ आते हैं। जब उखड़ आते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ में कंकड़ मिट्टी आ जाती है, और कंकड़ मिट्टी एक बार आ गई तो उसको अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारा उन किसानों से जो पहली बार खेती कर रहे हैं, उनके लिए हमारा कहना है कि जब भी आप बोनी करें और जब कटाई करें, तो कटाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि काटते समय उसको उखाड़े ना, काटे ही, हसिया से काट के और एक जगह पर रखें। और रखने के पहले कई बार क्या होता है कि हम ऐसे बगार में ही अपना खलिहान बना लेते हैं जहाँ पर पत्थर होते हैं, और पत्थर इसी साइज़ के होते हैं तो उसमें मिक्सअप हो जाते हैं। तो वो मिक्सअप ना हो, उसके लिए क्या करेंगे कि आप एक तिरपाल बिछा लें और तिरपाल में इसकी अच्छे से गहाई करें। तिरपाल में गहाई ना कर सकें तो आप ऐसे जगह पर खलिहान बनाएं जहाँ पर पत्थर ना हो, अच्छे से उसकी गोबर की लिपाई कर दें, और लिपाई करने के बाद में उसको काटें। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जब कंकड़ पत्थर उसमें आ गए हैं और फिर कंकड़ पत्थर को अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ी सॉर्टेक्स मशीन की ज़रूरत पड़ती है, और सॉर्टेक्स मशीन हमारे यहाँ पे इजीली उपलब्ध नहीं होती है, तो उसके रेट बहुत कम मिलते हैं। और जब इसका चावल बनता है तो चावल में कंकड़ पत्थर बिल्कुल आ जाते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान रख के आप कोदो कुटकी की बुवाई कर सकते हैं।
और कोदो कुटकी जैसी फसल आती है, आप उसको देख सकते हैं कि कोदो का अलग कंसा होता है, कुटकी का अलग होता है, रागी अलग होता है, काकुन अलग होता है। वैसे ट्राइबल लोग इसको बेवर खेती करते हैं, एक ही जगह पर सारे बीज इकट्ठा करके और वो एक ही जगह पर छिड़क देते हैं, और वहाँ पर जब कुछ नहीं होता है वहाँ पर कोदो कुटकी हो सकता है। आप चाहें तो इसमें कोदो कुटकी के साथ में रामतिल भी मिला सकते हैं, रामतिल की एक लाइन लगा सकते हैं, जो हमने प्रयास किया रामतिल भी लगाया है, और रामतिल के साथ में तिल भी लगा सकते हैं, तिली, काली तिली या सफ़ेद तिली जो आपके पास उपलब्ध है, क्योंकि उसका पौधा अलग होता है, इसका पौधा अलग, दोनों का नेचर अलग अलग होता है। इस तरह करके आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ भी जा सकते हैं, तो कम जगह पर ज़्यादा फसलों का उत्पादन ले सकते हैं, और जो कि हमारे सेहत के लिए ज़रूरी है। और जैसे तिल ज़रूरी है, तिल हार्ट के लिए बहुत अच्छी बात है, रामतिल भी हार्ट पेशेंट के लिए बहुत कारगर उसका तेल होता है। और कोदो कुटकी के बारे में तो आप वेल नोन है, अब जग जाहिर हो गया है, कोदो कुटकी में डायबिटिक पेशेंट और जितने मिलेट्स हैं वो मिलेट्स में सारे गुण उसमें मौजूद होते हैं। तो इस तरह करके ये इन सब चीज़ों का उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करें, और हमारा उद्देश्य बताने का सिर्फ इतना है कि ये ट्राइबल फैमिली इसको ज़्यादातर इसको उगाती है, इसलिए ट्राइबल फैमिली का भी सपोर्ट होगा, क्योंकि उनके पास आय के और दूसरे कोई साधन होते नहीं हैं, उनके पास इतनी अच्छी ज़मीन नहीं होती कि वो धान और गेहूं भी कर सकें। तो कोदो कुटकी साल में सिर्फ एक ही बार वो फसल लेते हैं, और कोदो कुटकी का यदि सही रेट ना मिला तो निश्चित रूप से उनकी जीवन यापन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कोदो कुटकी को खाने का प्रयास करें, बाज़ार में आज उपलब्ध है, जगह जगह पर कोदो कुटकी की डिमांड हो रही है, आपको बहुत जगह मिल जाएगा, और जब आप डिमांड करेंगे तो ट्राइबल फैमिली को निश्चित रूप से इसका सपोर्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे अगले वीडियो में जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें जैविक वाला चैनल को, और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, और जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले वीडियो पे जो फसल की आगे क्या ग्रोथ होती है उस ग्रोथ में भी हम आपका बातचीत करेंगे और आपको नित नई जानकारी के साथ में साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।